दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे वीडियो के अंदर ही टाटा के स्टॉक यार्ड में इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, जो सफारी है उसकी बोनट तक पानी आ चुका है। और इस स्टॉक यार्ड में टियागो और अल्ट्रोज भी खड़ी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीची गाड़ियाँ हैं, और हैरियर तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऊँची गाड़ी है। अल्ट्रोज और टियागो काफ़ी ज़्यादा नीची गाड़ी है, जिस वजह से इनके इंजन में तो पानी पक्का चला ही गया हुआ। और दोस्तों, ये जो स्टॉक यार्ड है, ये स्टॉक यार्ड रोड से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जिस वजह से इसमें इतना ज़्यादा पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि पानी तो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो पानी है वो कई करोड़ गैलन के हिसाब से है। और आप पीछे तो देख सकते हैं कि सफारी तक डूब चुकी है, अल्ट्रोज टियागो का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। और मेन तो ये है, क्या इसी हालत में इन सभी गाड़ियों को कस्टमर्स को दी जाएंगी? लेकिन शोरूम तक पहुंचने से पहले इन सभी गाड़ियों को दोबारा चेकिंग किया जाएगा, और इन सभी गाड़ियों को शोरूम में भेजने से पहले इन सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी कि इन गाड़ियों में कोई दिक्कत है या नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, गाड़ी में पानी जाने की वजह से गाड़ी के इंजन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गाड़ी वैसी नहीं रहती जैसे कि बिल्कुल फ्रेश गाड़ी होती है, और पानी जाने के बाद तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रह ही जाती है गाड़ी के अंदर। और जिन कस्टमर्स को ये गाड़ी दी जाएंगी, उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आएंगी, ये तो नहीं पता। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि जो स्टॉक यार्ड है काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जिससे कि पानी निकालने का कोई भी सिस्टम नहीं है। और जिस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, उस तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा पानी निकलने में। और जिस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, उस तरीके से तो पानी निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दोस्तों, सफारी और अल्ट्रोज तो मेरी मोस्ट फेमस कार है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनकी ऐसी हालत देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर इसी तरीके से कार शोरूम में पहुंचने से पहले ही डैमेजेस हालत में कस्टमर्स को दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कस्टमर्स को।